पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को अपने कार्य करने के दौरान उनके साथ अभद्रता की जाती है, जिससे उनको अपना कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में अलीगढ़ जनपद में भारत समाचार चैनल के पत्रकार मुकेश गुप्ता को घटना की कवरेज के दौरान उनको जान से मारने के लिए उन पर गोली चला दी गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन अभी तक हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार करने और पत्रकार मुकेश गुप्ता को 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा मुरादाबाद के क्षेत्र में पत्रकार रवि विश्नोई की मृत्यु हो जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार से उनकी पत्नी की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक उनकी पत्नी को कोई मदद नहीं दी है। इस मौके पर अंकित चौहान, शाहनवाज नकवी, आलम वारसी, पीयूष शर्मा, राजू यादव, संतोष गुप्ता, जाहिद परवेज के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। अलीगढ़ के अंदर भारत समाचार चैनल के रिपोर्टर मुकेश गुप्ता के ऊपर जो गोलीकांड से हमला हुआ है, जिसमें वो घायल हुए हैं, उनके जान से मारने की नीयत से वहाँ के जो माफिया और गुंडे हैं उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, उसकी मांग को लेकर आज हमने यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुरादाबाद ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से दिया है और उसके अंदर 20 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है कि उनके परिवार को और उनको दिया जाए। वहीं हमारे एक पत्रकार रवि बिश्नोई, जिन जो कांट से रिपोर्टिंग करते थे, उनकी बीमारी के कारण डेथ हो गई थी। हमने आज से 4 महीने पहले एक ज्ञापन दिया था, उसके अंदर मांग की गई थी मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के लिए कहा गया, परंतु वहाँ का जो तहसील स्टाफ है वो उन्हें परेशान कर रहा है और किसी तरीके से उसका कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई है। इन्हीं मांगों को लेकर इसी तरीके से अभी एक हमारे दूसरे पत्रकार, उन्होंने कुछ स्वास्थ्य विभाग और उसके एलाइड दफ्तरों के खिलाफ भ्रष्टाचार ओपन किया, जिसको लेकर उनके खिलाफ धारा 67 का मुकदमा दायर कर दिया गया। हम उसको भी ये प्रदेश सरकार से मांग करते हैं उस झूठे मुकदमे को भी वापस लिया जाए। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के तमाम मेंबरान ने डीएम साहब से एक गुजारिश की है कि पत्रकारों को पत्रकारी का करते वक्त में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुखालिफ लोग जो होते हैं वो उन पर जान से मारने की हमले करते हैं। गोलीकांड हो गया है अभी अलीगढ़ के अंदर मुकेश गुप्ता के, तो ऐसे ही कई वाकयात हैं जिसमें हमने मुख्यमंत्री से इसके लिए अपील की है कि इनके खिलाफ किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे एक और साथी थे कांट के रवि विश्नोई जी, उनका 6-7 महीने पहले अक्टूबर में डेथ हो गई थी। उनका कोई काम में, उनके घर में कोई भी उनके आश्रित नहीं है, उनकी बीवी परेशान है। तो 6 महीने पहले हमने एप्लीकेशन दी थी मुख्यमंत्री जी को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस संबंध में भी है। और दूसरे ये कि हमारे पत्रकार बंधु जो है, जो ऐसे ही अलग अलग खड़े रहते हैं, सब जगह परेशान रहते हैं, परिस्क्रम होने के बावजूद वो खुलता नहीं है, पूरे साल बंद रहता है, 1-2 दिन के लिए खुलता है। तो उसके लिए भी अपील की है डीएम साहब से कि उसको खुलवाया जाए, जो सुबह से शाम तक जो पत्रकार इधर उधर घूमते रहते हैं उन लोगों को वहाँ बैठने की व्यवस्था की जाए। और बस यही है, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने, आश्वासन दिया डीएम साहब ने कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, उनके लिए भी और प्रेस क्लब को भी खुलवाने की पूरी कोशिश की जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।